टेलीस्कोप बन रहे थे मार्केट में वो टाइम पे, और न्यूटन हमारे कैसे पीछे रहेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, उन्होंने लाइट में भी बहुत काम किया है। न्यूटन ने सिर्फ फोर्स का काम नहीं किया है भाई, बहुत कुछ किया है, साउंड में भी काम किया है, लाइट में भी काम किया है, तो जितनी पॉसिबल चीजें है उसको उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। तो न्यूटनियन रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप, इसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसा एक लार्ज पैराबोलिक कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है, पैरेलल रेज दूर से आते हैं, और यहाँ पे प्लेन मिरर यूज किया है। यहाँ पे देखो ना, दो मिरर्स यूज किए ना, दोनों लाइक कर्व टाइप के थे, लेकिन यहाँ पे एक कर्व यूज किया है और दूसरा प्लेन मिरर यूज किया है, और यहाँ पे ये जो मिरर फिक्स किया है वो 45 डिग्री एंगल से फिक्स किया है उन्होंने। तो पैरेलल रेज जो डिस्टेंस स्टार से आया, ये पॉइंट पे गिरे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, मिरर पे गिरने के बाद एंड में जाके वो आईपीस पे गए, है कि नहीं? दिमाग लगाने से देखो क्या क्या होता है। तो ये ऐसे जाके फाइनली आईपीस पे मिलेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। पैरेलल रेज, ठीक है, कम्स फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, वी आर यूजिंग लार्ज पैराबोलिक कॉनकेव रिफ्लेक्टर जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मिरर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द एक्सिस एट सी, मतलब यहां से जो एक्सिस जा रहा है उसके लिए एंगल वो 45 डिग्री बना रहा है। सो प्लेन मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट ई, तो ये जो प्लेन मिरर है ये रियल इमेज बनाएगा, लेकिन ई से भी तो और हमें मैग्नीफाई करना है ना। सो ई मैग्नीफाइज एंड वर्चुअल फाइनल इमेज ऑब्टेन एट ई, जो हम लोग आई से देख सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल डिस्कशन था, इट वॉज अबाउट न्यूटनियन रिफ्लेक्शन टाइप ऑफ टेलीस्कोप।